वाला इतरत हित यबीन ताहरीन अलमासूमीन वाला असहाबिल लजीन शाहबुद्दीन अम्माबाद फ़कत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन माहौल में जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस बानियाने जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़ादारों की हिफाजत फरमाए। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। अल्लाह तो अंसारे अन आमीन आखण की तौफीक दे। अल्लाह इस तो ऊँची आवाज़ च आमीन आखण की तौफीक दे। आखिरी दो दुआएँ आपके सामने रख रहा हूँ और इस उम्मीद पर कि आप सब जीदारी से आमीन कहेंगे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का वो तमाम अहबाब जो इस वक्त इमाम हुसैन से मुंसलिक हैं और इस जगह पे मौजूद हैं, मेरा मालिक उन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की जवारी नसीब। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, मेरा मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनागारों की आंखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर महसूस न करें तो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए मेरे भैया, ब्रांड दे ना कर, इन बंद ना कर वीरा। वीरा इन इंजी खोल दे जिन्हें बंद की थी ना, खोल दे अपने मेहरबानी। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। माहौल आप देख सकते हैं तकरीबन निज़ाम जो है वो मुतजलजल होने से बच के वापस आ ही रहा है। तबीयत है, बात शुरू की जा सके। आप लंबा नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना है और पहला जुमला पढ़ के आपका माहौल देखते हैं। जिधर आप चलते जाएंगे 14 से 15 मिनट आपको वही सुनाना है। बस आप जहमत ये कीजिएगा कि अगर आपको मेरे दिल का दर्द पसंद आए तो आप ज़रा सा मुस्कुरा दीजिए। सामीन गरामी, पहला जुमला जी सुनिएगा जैसा भी लगे आपको, बताइएगा। इस्लामिक कैलेंडर में वाहिद महीना है ये माह शाबान, जिस पूरे महीने में मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी कोई नहीं। जाया करना ही नहीं, यकीन जानिए नहीं करना, अपने से ज्यादा आप लोगों का एहसास है। हम बेचारे तो गुजारा कर लेंगे लेकिन जो अपनी मसरूफियात छोड़ के इमाम हुसैन के दरबार में आए हैं उनका क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। बात की है जनाब के ये जो महीना चल रहा है, अगर बानियाने मजलिस तक मेरी आवाज जाए अगले साल पता नहीं हम बेचारे इस मजलिस से खिताब करें या ना करें, लेकिन अगले साल या अगर अभी भी हो सके तो अपनी इंतज़ामिया का एक लड़का कुर्सी देकर बाहर बिठा दिया जाए ताकि वो यहाँ से आने वालों को अंदर भेजे और जिन्होंने वहाँ से आने उन्हें वहाँ से भेजे, या इसे बंद करके हर किसी का दाखिला वहाँ से रख दें। माहौल बार बार बेरब्त हो रहा है और मुतजलजल हो रहा है और उलझन का शिकार है ये रास्ता मुसलसल खुलने और बंद होने की वजह से, लेकिन अब आप लोगों को इसी माहौल में सुनना पड़ेगा। अगले साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें सेट रहेंगी। मेरा जैसे ये यकीन है ना कि वो खुदा एक है, वैसे ही इस जुमले पे यकीन है। खुदा की वाहदनीयत का यकीन इस जुमले पे रख के कह रहा हूँ कि जो ये रातें चल रही हैं ना, इन रातों में मेरा यकीन है ज़मीन पे सुलगती हुई किसी मोमबत्ती से लेकर आसमान पे चमकते हुए सितारों तक, इन रातों में जो जो कोई मुस्कुरा रहा है वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो दुश्मन अली का कलेजा भी जला रहा है। हाथ खोल दीजिए, जब मैं टाइम नहीं जाया कर रहा तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। मास्टर जी दुआ फरमाइएगा जी, जहमत ना समझो, मैं इतने तोड़ लूं।
दो चार गल्ला सुनानियां चाहता सां जहमत मेहमान आ वड्डे हो मेरे दो चार शेर में मेरे मौला सलामत रखने। ये सारा महल्ला माहौल बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बनता ही नहीं कि आप लोगों का और इम्तिहान लूँ, मैं डायरेक्ट आपको मित्रा चार त्रड़ त्रड़ शेर सुनो तो मैं ये वहदा पाया। मिसरा हुजूर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे मौला आपको सलामत रखे। मिसरे का चलन देखिए, अगर आपको लगे कि इसमें आपके इलाके का लहजा रखा है तो बोलना, अगर अपना इसमें चलन या एक मिजाज नज़र ना आए तो चुप रहना। मिस्र जलालपुर हिंदुस्तान से चलकर यहाँ तक तो आ गए, देखते हैं कि यहाँ छोड़ने आए। पहले मिनट मतलब मुकम्मल हो, हाथ चाहते मैं वेंदा पे मिसरा पढ़ रहा हूँ। ये मौजजा सरे मकतल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। ये यहां से हाथ नहीं उठ रहे इस महल में, अगर चादर उतार के अपना हाथ उठा सके तो मिलके नारे हाय दरी। ये मौजजा, साउंड वाले भाई मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं ढूंढ बढ़ा रहा हूं, मेरा भाई साउंड वाला इसकी को बंद कर दे प्लीज। ये मौजजा सरे मकतल, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, ये मौजजा सरे मकतल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया। मैं बहुत छोटा नौकर हूं खुदा की कसम, लेकिन जो मिसरा मैं पढ़ रहा हूं इसे इस्तियारतन देखना है, किनायतन रम्ज शबी इस्तकबाल हर हवाले से, लुगवी हवाले से, नगमगी के हवाले से, चाशनी के हवाले से, तफहीम के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, तमाम पैरायों से देखना है कि अली अब्बास अस्करी जो शेर पढ़ रहे हैं आया ये शेर शेरी हवाले से मुकम्मल है या नहीं। मुकम्मल हो तो बड़े हैं अपने मजमे से कहें मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए, शेर मुकम्मल ना हो तो मैं डिजर्व ही नहीं करता दाद। ये मौजजा सर जनाब गुलाम अब्बास जप्पा साहब, ये मौजजा सर मकतल दिखा दिया जाए, मेरे मौला की नहायत मुरस्सा, नहायत मुरक्का, नहायत नर्म और रवानी के साथ, नहायत शाइस्तगी के साथ मेरे मौला का जिक्र करने वाले जाकिर तशरीफ ले आए। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, ये मौजजा सरे मकतल दिखा दिया जाए, ये मौजजा सरे मकतल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं हुसैन हुसैन पुश्ते नबी पर यह कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी। आप समझ रहे हैं शॉर्टकट के नुकसान क्या क्या होते हैं। ये मौजजा सरे मकतल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। पाकिस्तानी कौम हर काम में शॉर्टकट लेती है, यकीन जानिए आप, यकीन जानिए। ये मौजजा सरे मकतल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। परेशान तो नहीं हो गए? हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है कुछ नहीं तो कम से कम 1.25 लाख का मजमा था। ये भी हफ्ता नहीं गुजरा, 2 से 3 शाबान की दरमियानी शब, कराची अंचोली शहदाए करबला के बाहर जेर आसमान जश्न। ये मैंने अभी जैसे नहीं यकीन आता, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख ले, मैंने आखिरी वीडियो ही वो डाली है। जिक्र की इज्जत की कसम, जिंदगी की दाद एक तरफ, उस कराची की खैरात का लुत्फ एक तरफ। मैं नहीं कहता हर बंदा उठकर बोले, मैं फकत इतना कहता हूँ कि ये कैमरामैन भाई मुझे उस बंदे का चेहरा दिखाए जो मेरे कद से बड़ा शेर है, जो इसे भी ऐसे ही इग्नोर कर दे, दिखा दिया जाए, गले भाई गुलाम अब्बास मिसरा सर्फ कर रहा हूँ, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया जाए। जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं, जो अपने हाथ उठा सकते हैं, अगर सहमत ना समझें तो मिलके बोलो हाय दरी।
इतना ही और पढ़ना है। मेरे मौला आपको सलामत रखें। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया। हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या था। अरे चलें फिर ऐसा करें कि एक कलाम और सुनिए, एक कलाम और सुनिए। माजरत चाहता हूँ, अंग्रेज़ी पे दाद दे सकता हूँ लेकिन यहाँ एक्सेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, आपको एक शेर सुनाता हूँ मैं। मेरे मौला आपकी खैर करें, थोड़ी जी मनु उर्दू च भी दाद दे ले। अच्छा नहीं 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 ऐसा नहीं है, सभी अच्छा पढ़ने वाले हैं। लीजिए मिसरे सुनिए दो, और अभी तक की नौकरी और शायरी का मज़ा एक तरफ, इन दो मिसरों का मज़ा एक तरफ। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ये तमाम ये इवेंट सिया कौम क्यों करती है, पहले मिसरे में उनका सवाल बता रहा हूँ, दूसरे मिसरे में उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। और या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है, उनका सवाल है चरागे मिदहते शब्बीर ने दिया क्या है। कई महल्ला भी तक चुप है, ये सारा खुदा की कसम बोल रहा है, मेहरबानी कीजिएगा मैं इस दाद की वजह से चल पड़ा हूं। वो कहते हैं ना भाई ये क्यों करते हैं, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं और कोई शायरी हवाले से मिसरे की रद्द पेश करे तो हम बेचारे यहां आए ही क्यों, ये चरागे मिदहते शबीर ने दिया क्या है। मैं कह रहा हूं अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। अरे बैठा है मुश्किल बात का खरीदार, मैं दो बार दिया पड़ गया, चरागे मिदहते शबीर ने दिया क्या है। अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया, वो दिया और था ये दिया और है, चरागे मिदहते शबीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या। अच्छा लीजिए मिसरा कबूल कीजिए, खुदा मेरे बस में कितने अली ये बात अस्करी करे और मैं आपकी मुस्कुराहट से वार के फेंक दूं। मिसरा पढ़ रहा हूँ मैं और किसी से बात नहीं कर रहा, बात भी आपसे करता हूँ। चरागे मिदहते शब्बीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। तो मिसरा पढ़ रहा हूँ, चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मज़ा क्या। भाई क्या दाद है खुदा की कसम, भाई क्या दाद है खुदा की कसम। हुजूर हुजूर तैबूए दा भी लवो, बैठे नहीं यहीं पे शेर सुनते हैं। बड़े हैं मेरे माजरा चाहता हूं, मैं ज़हमत दे रहा हूं, शेर सुनिए। चरागे में इत्थे चरागे मिदहते शब्बीर ने दिया, लेकिन एक मयार सोचने अपने अंदर के शेर किन्ना एक वड्डा हो सकता है, किन्ना वड्डा शेर हो सकता है। मेरा बिरा गल्ला ना करिया मौला दा वास्ता, किन्ना एक वड्डा शेर आ रहा जरा सोचो, फिर मैं शेर पढ़दा। अगर मेरा पढ़ा हुआ शेर आपके कायम करदा मयार से ऊपर हो तो पूरे मजमे से कहिएगा बोले, अगर शेर आपके समझे हुए इमेजिनेशन वाले लेवल से नीचे हो तो भाई गुलाम अब्बास मेंबर पे आ जाएंगे। अब आपने सोचना है किड्डा बड़ा शेर है, अदू में शेर पढ़ रहा, जे शेर उत्ते निकल जावे सोच दू तो फिर दा दे, नहीं तो नहीं बोलना। चरागे मिदहते शब्बीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ, डरने वाले बंदे से बात नहीं है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। चढ़े जो सूली पे मीसम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा क्या है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अली अली की सदा, अली अली की सदा आज खड़ रही है, जिन्हें ये लोग कल को कहेंगे खुदा खुदा क्या। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार जो अपना हाथ उठा सके, इनके वाला हैदर हैदर मेरे मौला सलाम, मेरे मौला सलाम। हुजूर हुजूर
अरे अरे भाई क्या कह रहे हो, भाई क्या कह रहे हूँ, तो इंग्लिश भी याद नहीं आ रही करमा लो, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। मेरे मौला सलामत, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया, पूरे पूरे मिस्र दी दाद न दियो ना, बस वाओ आग छोड़ो, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, ये लोग कल को कहेंगे पीर फलक शेर मुर्शिद, ये लोग कल, मास्टर जी शेर सुनिए जरा, ये लोग कल को कह, भाई गुलाम अब्बास दाद वाला लालच नहीं है, ये एक समाजी अलमिया है, ये मेरे अंदर से कलमहाती उबाल निकल रहा है, जो जितनी जल्दी निकलेगा झट से हवा में उतनी जल्दी गायब हो जाएगा, लेकिन वादा हो गया ये जितनी जल्दी गायब होगा उतनी जल्दी भूलेगा नहीं, सर ये जनरेट करता रहेगा, अब अल्लाह करे मैं समझा सकूं। अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, मेरे मौला आप दुनिया को जाज़बियत के हवाले से देख रहे हैं और जिस नुक्ते निगाह से देख रहे हैं, खुदा मजीद आपको अहले नज़र करे, अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, ये जमालियाती नुक्ते निगाह है, अली अली की सदा आज खल रही है जिन्हें, ये वो लोग कल को, ये लोग कल को कहेंगे, ये लोग कल को कहेंगे खुदा खुदा क्या है, मिसरा आ रहा है दिलों में बुग्ज, दिलों में बुग्ज सरे फर्श गम सियासत भी, ए मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या। सच्ची रसी में सुबह समाध नहीं आया, समझ नहीं आया। ओ मेरे भाई, अरे ब्लू शर्ट वाले आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई, दिलों में बुग्ज मियाँ, इतना अच्छा कंट्रास्ट और चुप बैठे हैं कि मेरे, दिलों में बुग्ज सरे फर्श गम सियासत भी, ए मेरी कौम बता दे तुझे हुआ, ए मेरी अच्छी खासी आप भी दाद दे रहे थे जनाब, ए मेरी कौम बता दे तुझे हुआ, भाई आगे आइए आगे आइए, तुझे हुआ हुआ क्या है, तुम मिंबर पे ऐलान कर रहे अली अब्बास अस्करी, हम और लोगों को तबलीग दीन क्या करते, अभी हम ही नहीं समझे कि करबला क्या। हम और लोगों को तबलीग दीन क्या करते, अभी हम ही नहीं समझे, अपने हिस्से का पढ़ चुका मैं, हुक्म पूरा करना है मुझे, अगर आपकी घड़ी पे 3 मिनट का टाइम हो तो, अगर आप इजाजत दें तो, इजाजत है आखो सुभान अल्लाह, जनाबे कासिम की जंग 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और 13 साल का अली, बात चुप कर गया मेरा। इस दरवाजे ने सिर्फ दुनिया को लड़ना नहीं सिखाया, बोलना भी सिखाया। इस दरवाजे ने बताया है कि जंगें सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, किरदार से जीती जाती, जंगें तलवार से नहीं जीती जाती, कलम से जीती जाती, जंगें तलवार से नहीं जीती जाती, गुफ्तार से जीती जाती। इसी दरवाजे के एक शहजादे ने यह भी बताया कि जंगें तीरों से नहीं जीती जाती, मुस्कुराहट से जीती जाती। क्या सब दुआ फरमाइएगा, ज़रा नाजुक मजमून है, ज़रा नाजुक मजमून है, लेकिन अल्लाह करे कि मैं इसको निभा सकूँ। 150 बंद हैं, 150 बंद जनाब कासिम के हमले के, खैमे से निकलना, मैदान में आना, तारुफ, रिज्ज, हमला, 150 बंद सुबह हो जाए इसमें, यकीन कीजिए। लेकिन टाइम टोटल 3-3.5 मिनट है, उस मेहरबानी करें। एक ऐसा शहजादा नहीं चंगा लगता, अब 2024 है, मैं मिंबर बनना, बंदियां दे हथी पवा के इंज बोलो, इंज मैं नहीं कर सकता सर ऐसे, आप बात सुनिए मेरी, मेरी बात में अगर लुत्फ आए तो, नहीं तो या अली या अली। एक ऐसा शहजादा 13 साल का शहजादा है, 9 लाख की आंख में आंख डाल के कहता है बताओ तुम हमसे लड़ने आए हो, मैं तुमसे कैसे लड़ूं मुझे खुद बताओ, अरे मूसा है, मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़ें,
ओ हम मालिक के हयात हैं लाशों से क्या हुआ? मैं बंदा अल्लाह पर आया खुदा दी कसम है मोमन चेहरा इधर नजर आ जावे कहना इधर ही चुप कर गया मास्टर जी। अरे मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े? ओ हम मालिके हयात हैं, अरे हम मालिके हयात हैं। 150 बंदे खुदा की कसम मेरे सामने। अच्छा मैं जिस माहौल खलोता हूं ना जेड़े माहौल मैं खला चार मिसरे की तो छुट्टी है तो छेवें मिसरे से मैं बंदा कसम भी चुक के आखिर कि मैं इतों के रहने वाला तो मैं नहीं सवाद देने ते दिल किया मैं फिर भी नहीं मनागा मैं ये कहंगा कि वह जिद कर गया वो कसम भी चुक के आके कि मैं इस इलाके का रहने वाला तो मैं सवाद नहीं आया मैं खुदा की कसम नहीं मनागा उसकी जिद मन लवागा। चार मिसरों में जबान कर लूँ मिसर बिलखसूस आप जबान का मजा लीजिए छठे मिसर में अपने मजमे से कही अगर मैं डिजर्विंग बात करूँ तो बोले शहजादा फरमाते तुम हमसे लड़ोगे? अरे कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम अरे कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारो कच खिराम बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम अरे सूरज से लड़ने आ गए शब जाद गाने शाम कोई हिकता उठ के आखेगी यार मैं समझ नहीं आई ये मैं सवाद नहीं आई। अरे सूरज से लड़ने आ गए शब जाद गाने शाम ये अंधेरों की औलादें ये अंधेरों की पैदाइशें। अरे सूरज से लड़ने आ गए सूरज से बंदा सोचा के आखे के मैं शेखुपुरा मुरीद के तहत पट्टी का राणा लाते मैंने मिसरे का मैं फिर भी नहीं मनागा मैं उसकी जिद मन लवागा। सूरज से लड़ने आए हैं शब जाद गाने शाम ओए मुझसे लड़ते हो शर्म नहीं आती? अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए और चिमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। जनाबे कासिम का हमला मैंने कोई नसर नहीं की मैंने मैदान में आना नहीं पड़ा मैंने इजाजतनामा नहीं पढ़ा मैंने डायरेक्ट रिज शुरू भैया हाथ खोल दीजिए मैंने डायरेक्ट रिज शुरू की है डायरेक्ट रिज खुदा की कसम मैंने कितना मजमून छोड़ा है मैं भी नहीं जानता। मैं ये कोशिश करूं जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं मेरे साथ चलिए ऐसे हाथ बांधेंगे खुदा की कसम मैं इतने जिंदा मजमे से टूटा हुआ दिल लेकर जाना नहीं चाहता। एक बार अपने अंदर इमेजिन तो करें भाई एक 13 साल का शहजादा और 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमा रहे शर्म नहीं आती क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से अरे जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर भूल हो गई है ये समझोगे देर से मैं मिसरा भेज रहा था लेकिन मैं रुक गया सुना के चलता हूं चलिए जी मिसरा सुनिए शहजादा फरमाता है महसूस हो रहा है जमाना बदल गया मैं मौला का वास्ता मौला का वास्ता नहीं पढ़ने थे हुसैन बादशाह की कसम नहीं पढ़ने थे नहीं देख के पढ़ रहा मिसरा जो पढ़ रहा हूँ ये पीछे गुजर चुका है सुनिए लफ्ज है कफस कफस कहते हैं पिंजरे को हाँ 13 साल का नन्ना सिपाही 9 लाख से कह रहे महसूस हो रहा है जमाना बदल गया कैदे कफस से छूट के परिंदा बदल गया ये बीच वाला मजमा ये दरमियान वाला मौला का वास्ता मौला का मेरे भाई बिलखसूस मेरी कोई बात भी अभी तक आपके आगे से जाया नहीं गई मैं गवाह हूं मैं खुशामद नहीं कर रहा मिसरा भेज रहा हूं महसूस हो रहा है जमाना बदल गया कैदे कफस से छुटके परिंदा बदल गया मुझे उस मोहल्ले के हाथ बुलंद चाहिए 13 साल का शहजादा सामने 9 लाख पहलवान है और आप नजर देखिए फरमा रहे महसूस हो रहा है जमाना बदल गया कैदे कफस छुटके परिंदा बदल गया कासिम फरमाते हैं अजसाम तो वही है लिबादा बदल गया शायद गुलाम जादों का लहजा बदल गया।
खुले शजरे के ना खुले, शायद गुलाम जादों का, शायद गुलाम जादों का, भैया मुझे देखना, शायद गुलाम जादों थोड़ा जब फिट होके एक्टिव होके ढिलिया नहीं बाना, चाह अपनी कंठ तबल चिंता करते हाथ चुक मेरा वीर, शायद गुलाम जादों का लहजा लहजा लहजा, अरे शायद गुलाम जादों का लहजा बदल गया। अरे हमसे ऊंची आवाज में बात करने से पहले ये बात याद रखना, अरे टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को और गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी जबान। कमान को हो भाई जान गर्मी है ते जे एडा मोटा कोट पा के बवोगे ते किधर दाद दोगे, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी, थक गए हो तो छड़ देना, ए सारा महल्ला पिलरा तो परे परे वाली मखलूक जिथो बहुत ज्यादा इंग्लिश आ रही है वन वे ट्रैफिक की सूरत, थोड़ी थोड़ी उर्दू च दाद दे जे मैनू। अब शहजादा आगे बढ़ा, इधर 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 मौला का वास्ता इधर देखना, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी, पहला दूसरा तीसरा मिसरे की छुट्टी है, चौथे मिसरे पे गुंजाइश ही नहीं बचती, आपने खुदा की कसम मेरा अंदर हिला दिया ये जुमला कह के कि शजरे खोल लेनी। फिर मिसरा सुनिए, शहजादा फरमाता है मुझे देखो, लफ्ज गिजाल और गिजाल कहते हैं हिरन को, अब शहजादा अपना तारुफ करा रहा है, फरमाते हैं आया है शेर रन में गिजालो रुको रुको, आया है शेर रन में गिजालो रुको रुको, जाते कहाँ हो बर्छियों वालो रुको रुको, मिसरा है बैत के अनकबूत के जालो रुको रुको, एक बेहया की गोद के पालो, जिसमें जनाबे कासिम की जंग सुनने की सलाहियत हो, अरे बेहया की गोद के, भैया ये चलन नहीं आएगा बंदा, एक बेहया की गोद के पालो रुको रुको, शर्म नहीं आती, कल शब अमान नामा लाए थे मुझे चचा अब्बास और बाकी हाशमियों को ऑफर करा रहे थे कि हुसैन हमारे हवाले करो तुम्हारी जान छोड़ देंगे, और हमें कहते थे हुसैन तुम्हारे हवाले करें, हमें अमान दे रहे थे, ये ऑफर देते हुए शर्म मैं केड़ी कद सिर मारा थे, मजमा मेरे नाल बोले यार नहीं है इस तो वड्डी गल मेरे कोल, फरमाए हमें ये ऑफर देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, हमसे कहते थे हुसैन तुम्हें दे, अब रुको रुको और जवाब लो, अरे गुर्बत में दामने शहे जीशान छोड़ दे, अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़, मुक गई नौकरी, आयत से कह रहे हो कि कुरान कुरान, घड़ी पर टाइम रखिए, अब शहजादे की बात खत्म, आप यकीन जानिए मैंने अगर ये 100% ये नज़म मैंने पढ़ी है तो बीच में से 85 बार ऐसा हुआ कि मैंने शहजादे की रिजिस पे बात खत्म की है, मैं पता नहीं कैसा कैसा बंद पीछे छोड़ के आ रहा हूँ, तलवार चलाने तक कभी नौबत आई ही नहीं, मेरे मौला जानते हैं मैंने 50-50 बंद इसके पीछे छोड़े हैं ताकि मैं आपको एक झलक दिखा सकूँ शहजादे ने तलवार कैसे चलाई है, मैं बात अब पीछे रोक रहा हूँ, यहाँ बात मुकम्मल हो गई, अब अली का खून ये तो देख लिया कि बोलता कैसे है, अब देखिए अली का खून लड़ता कैसे है, बात हो गई मुकम्मल, अब 13 साल का अली तलवार चलाने लगा है, रिजस हुई भाई गुलाम अब्बास तमाम, अब शहजादे ने एक बार पीर फलक से रुख किया पीछे, मास्टर जी रुख पीछे किया तो एक टीले पे अपने उस्ताद अब्बास अलमदार को पाया, लफ्ज है रन रन कहते हैं मैदान को, लफ्ज है रन रन कहते हैं मैदान को, शहजादा तलवार चलाने लगा है, और जिस बंदे को माजरत चाहता हूँ कोई डर है कोई खौफ है वो उठ के जा नहीं सकता, वो घुटनों में सर छुपा के बैठे, मैं हर बंदे से डिमांड कर भी नहीं रहा, लेकिन जिसके सीने में दिल नहीं अली की विलायत धड़क रही है वो कैसे नहीं लुत्फ उठाएगा, अब तलवार चलने लगी है पीछे रुख किया, मेरे मोहतरम मुझे देखिएगा हुआ क्या, मिसरा अब्बास से
अब्बास से नामवर से जो हर्फ दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। ये आप सलामत रहे, ये बुढ़ापा खुशहाल रहे, ये जवानी बेदाग रहे। अब्बास से नामवर से जो हर्फ दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को, लश्कर समेत शेर ने रन को। एक एक पहलवान था जिसका नाम था रुस्तम, रुस्तम ईरान, ईरान का एक पहलवान था रुस्तम। लाखों के लश्कर से अकेले लड़ने की काबिलियत रखता था, सलाहियत रखता था। इतना बड़ा पहलवान था कि ईरान क्या पूरे अरब व अजम की माएँ अपने बच्चों को लोरी में उसके नाम से डरा के सुलाती थी कि मेरा बच्चा अब सो जा, नहीं तो रुस्तम आ जाएगा। वो इतना बड़ा पहलवान था। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ और मुझे ये कैमरे वाले भाई से लेकर वहाँ तक, मैं अब कह रहा हूं मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। मैं खून जिगर मिंबर पे रख रहा हूं, मुझे हर हाथ, सुन ले ये मजमा, मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। रुस्तम ईरान का जाना माना पहलवान है। 13 साल के अली ने तलवार चलाना शुरू की। कोहसार तलवार कहते हैं पहाड़ों को। अस्करी शेर पढ़ रहे हैं, अब्बास से नाम वर से जो हर्फ दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। फिर मिस्रा हैबत से, हैबत से कोहसारों ने सर को झुका लिया, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। बैठिएगा, बैठिएगा। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में एक हवाले से आपका मेरा हिसाब किताब एक है कि जिन दिल जलों को आप पढ़ते हैं मैं भी उन्हीं को पढ़ता हूं। अगर गजल का लुत्फ आए तो दाद है, मनकबत से हटके। कितनी कुरानी आयात मिस्र में समाई जा रही है, अली अब्बास भी नहीं जानता। प्रॉपरली जो बंदा शायरी पढ़ता है वो कह दे सवाद नहीं आया, मैं बेचारा यहां क्यों खप रहा हूं इतनी देर से। यार रुस्तम ने मेरे कद से बड़ा शेर है, अपनी झोली की वसत फैलाई और आसमान उतरता देखिए। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। कासिम तलवार चला रहे हैं और अस्करी खप खप के कह रहे हैं, मौला अली का रंगे विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद आ गया। इजाजत है मैं तुझे दादे से वजह तो नहीं ना दीती भी थोड़ी फोटो ठीक आ जाए पीछे। मौला अली का रंगे विगा याद आ जाए। मौला अली का रंग सुना है, बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते। मौला अली का रंग विगा याद आ गए, मैदान में काफिरों को खुदा। आखिरी है 6 लाइनें, मिंबर छोड़ो। हासिल नज़्म, एक पहलवान है जिसका नाम है अरज़क मलाऊन। आ गया जनाब कासिम से लड़ने के लिए उनके मुकाबले में। लफ्ज है फील, अरबी जुबान में फील कहते हैं हाथी को। अलम तरका फफाद अरबों का बेसाबी थी, वो अबरा के हाथियों वाले लश्कर वाली आए जिन पे अबाबीलों ने कंकर बरसाए थे। लफ्ज है फील और फील हाथी को कहते हैं। अरज़क बहुत बड़ा पहलवान है जो कासिम से लड़ने आ रहा है और अस्करी अर्ज कर रहा है कि वो पैकर निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। क्या मिसरा पढ़ा था जनाब? फील मस्त। एक अरब का पहलवान मस्त हाथी की तरह कासिम से लड़ने आ रहा है। काफिया क्या चल रहा है? मस्त। क्या चल रहा है? ऊंची बोलो।
वो पैकर, लफ्ज है अजल, अजल कहते हैं मौत को, वो पैकर निफाक वो अर्जक वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। वो पैकर निफाक वो अर्जक वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। फिर क्या होता है जनाब, पढ़ लिया मैं, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, जस्ट नहीं जस्त, जंप स्पीड से, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। मैं हैरान कर देता, आई सदा नजफ से मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। जिस बंदन को बहुत माण है ना अपनी चुप ते, ओ थलू दरी काबू कर लवे। जिद्दी बंदे से बात नहीं है, कुंद जहन अफराद से खिताब करने का आदि भी नहीं, उलझन होती है, घुटन ज्यादा माहौल में जीने का कायल नहीं हूं मैं, लेकिन ये मेरे बंदे हाथों के लाज, अपने सीने में बात को आने दो, बात अपने सीने में दिल में घर न करे तो हम बेचारे क्यों आए। मेरे लाल दो शिकस्त, मैंने देखा जे जनाबे कासिम ने फरमाया, दादा जान मैंने बड़े बड़े दस्तों को जहन्नुम भेजा, आपने मुझे स्पेशली किसी के लिए हुक्म नहीं दिया, इसे मारने के लिए बिलखसूस ऑर्डर क्यों दिया कि कासिम इसे मार, कासिम इसे शिकस्त। भाई गुलाम बस मिसरा ऐसा है कि आप चेहरे पढ़िएगा, आपको चेहरे बताएंगे कहाँ कहाँ कैसा कैसा असर हुआ। ओए कासिम इसे मारना है, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं खुदा की कसम, कासिम इसे नहीं छोड़ना, कासिम अर्जक को मारना ही मारना है, मेरे लाल दो शिकस्त। अली फरमाते हैं कासिम इसे मारने की वजह यह है, बेटा हर हाल में, हर हाल में, अरे हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, और ये मुनकर गदीर है, इसको ना छोड़ना। समझ गए मिलके बोलो नारे हाय दरी। मेरे मौला आपको हमेशा सलामत रखें, अल्लाह आपको कभी किसी का मौत आ जाए।